Hello guys, this is the 13th lecture of bit manipulation series. In this video, we will solve a problem. The name is missing number. Now move to the problem. आपको n-1 integers का array given होगा, उसमें एक number missing होगा n तक. अगर n की value 5 है, तो आपको 5 तक में एक value missing होगी. Suppose यहाँ पर n की value 5 है, तो इसमें आपको 4 integers given है. इसमें जो number missing है वो आपको प्रिंट करना है. तो यहाँ पर कौन सा मिसिंग है? 3, तो वैल्यू हो गई 3. इस एरे में कौन सा नंबर मिसिंग है? 1, तो आउटपुट विल बी 1. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे वेज हैं. लेट डिस्कस वन बाय वन. पहला तो वे है कि आप ब्रूट फोर्स लगा दें, 1 से लेके एन तक लूप चलाएं और हर वैल्यू के लिए चेक कर लें उस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं. बट इस अप्रोच में प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही टाइम टेकिंग होगा, O ऑफ एन स्क्वायर सॉल्यूशन होगा. दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप एक दूसरी एरे बना ले बुलियन टाइप की, जिसमें ट्रू या फॉल्स होगा, और इस एरे को ट्रैवर्स करें, और ट्रैवर्स करने के बाद जिसे 1 आया तो उस एरे में 1 इंडेक्स पर ट्रू कर दिया, 2 आया तो उस एरे में 2 इंडेक्स पर ट्रू कर दिया. तो पूरा करने के बाद फिर से आप बुलियन एरे ट्रैवर्स करें, जिस इंडेक्स पर आपको फॉल्स मिल जाएगा वो इंडेक्स ही आपका आंसर होगा. कुछ इसी तरह एक प्रॉब्लम मैंने अपलोड कर रखी है काउंटिंग एलिमेंट्स नाम की, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं उसको. सो इस सॉल्यूशन का भी एक ड्रॉबैक है कि आप इसको तब यूज नहीं कर सकते जब एन की वैल्यू बहुत ही बड़ी हो. सपोज एन की वैल्यू 10^18 है, तो आप 10^18 तक की एरे तो बना ही नहीं सकते. आप 10^7 से ऊपर की एरे नहीं बना सकते. तो आपको इसका कुछ अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा जो O ऑफ n में हो. लेट्स मूव फर्दर. इसके और भी सॉल्यूशन हैं, आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं बेस्ट सॉल्यूशन पर आ रहा हूँ जो कि हम सॉल्व करेंगे बिट मैनिपुलेशन के मदद से. लेट्स सी हाउ. अगेन हम इसमें क्या यूज करेंगे? एक्सॉर प्रॉपर्टी का. कैसे? लेट्स सी. अगेन एक्सॉर प्रॉपर्टी, ए एक्सॉर ए इज इक्वल टू 0. हमें क्या करना है कि 1 से लेके एन तक का सबका एक्सॉर ले लेंगे. पहले क्या किया, हमारे पास एन एलिमेंट्स होंगे, 1 से लेके एन तक का मैंने एक्सॉर ले लिया. फिर क्या करेंगे, फिर सारे एलिमेंट्स का एक्सॉर ले लेंगे जो कि एरे में प्रेजेंट है. एन इज इक्वल टू 5, हमारे पास एरे क्या है, 1, 2, 4, 5. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 से लेके 5 तक का एक्सॉर ले लिया, और फिर मैंने क्या किया, एरे के सारे एलिमेंट का भी एक्सॉर ले लिया. तो हमारा एक्सॉर कुछ ऐसा बन गया. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये सेम क्वेश्चन लोनली इंटीजर वाले क्वेश्चन के जैसे हो गया, जिसमें सारे एलिमेंट ट्वाइस टाइम है एक्सेप्ट द वन एलिमेंट. तो सिंपली जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, आंसर विल बी 3. सो नाउ लेट्स कोड. हमें एन की वैल्यू लेनी है सबसे पहले, और फिर हमें एक एरे ले लेते हैं एन साइज की. एरे में इनपुट लेते हैं 0 से लेके एन माइनस 1 टाइम्स आई प्लस प्लस सी इन ए आर ऑफ आई. तो इसमें मैंने एरे में इनपुट ले लिया और इंटीजर एक्स की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज किया, और आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे एन तक. आई प्लस प्लस एक्स एक्सॉर आई. ओके, अगेन कॉपी दिस लूप, पेस्ट इट हियर. 0 से एन माइनस 1 तक चलाएंगे क्योंकि हमारे पास एरे में एलिमेंट 0 से एन माइनस 1 तक हैं, और एरे ऑफ आई तक का एक्सॉर लेकर सिंपल सी आउट एक्स. नाउ सेव इट, लेट मी कंपाइल इट. सो नाउ रन इट. एन की वैल्यू मैंने 5 दी, 2, 3, 1, 5. तो हमारे पास इसमें क्या मिसिंग है, 4. तो आंसर क्या आना चाहिए, 4. अगेन मैं क्या दे रहा हूँ, 8 देता हूँ एन की वैल्यू, 2, 3, 1, 7, 8, 5, 6. इसमें अगेन क्या मिसिंग है, 4 दे देते हैं. इसमें अगेन क्या मिसिंग है, 6. तो आंसर क्या आना चाहिए, 6. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम. दिस इज अगेन सिंपल प्रॉब्लम.
I hope you learn something new from it. Thank you for the watching. See you in next video.